हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपको क्लास सेकंड की हिंदी की बुक रिमझिम का चैप्टर नंबर 15 एक की दो की पढ़ाऊंगी। तो पढ़ना शुरू करते हैं। दो बहनें थीं, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए उसे एक की बुलाते थे। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दो की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहां, काम में झूलते रहते थे। दो की हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाती रहती। एक दिन दो की घने जंगल में गई सॉरी एक की एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी। मुझे प्यास लगी है, जैसे कोई बोल रहा हो, पानी मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। ये देखिए मेहंदी के पेड़ दिखाया है। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। एक की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार दो बार कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक की आके आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, मुझे कोई खाना खिला दो। एक की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया, जिससे कि गाय भी आजाद हो गई। धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एक की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे, कहां जाए। तभी दूर एक झोपड़ी दिखाई दी एक की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है। एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, अहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आ जाओ। एक की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए ये झोपड़ी है, ये अम्मा उसे बुला रही है। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं, अम्मा ने पुचकार कर कहा। अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एक की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ, एक की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एक की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एक की के तो जैसे पंख ही निकल आए, वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक की ने सारी कहानी सुनाई। दो की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दो की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसे प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। उसने ना ही प्यासी झाड़ी की आवाज सुनी और ना ही गाय की आवाज सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी राह देख रही थी,
पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख ही निकल गई। दोकी के दो ही तो बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मैने की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए, मगर अब दोकी अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एक ही दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो बच्चों देखा, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है ना। एक की सबकी, सबके बारे में सोच रही थी, सबकी हेल्प कर रही थी, है ना, तो इसलिए उसके साथ अच्छा हुआ। और दोकी ने किसी दूसरे को बिना देखे, बिना किसी की परेशानी को देखते हुए अपने काम की तरफ भागी जा रही थी, तो उसके कुछ भी नहीं मिला। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी ना? आप भी इस कहानी को खुद से एक बार पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, और इसके जो कठिन शब्द हैं वो भी आप दोहराएंगे, ठीक है बच्चों? तो मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, ओके, बाय।